बोरवेल में गिरने से बच्ची की हुई मौत। यूपी की कानपुर में बोरवेल में गिरी बच्ची खुशी की मौत उसको बाहर निकाले जाने से 5 घंटे पहले ही हो चुकी थी। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के डॉक्टर जीएन द्विवेदी का कहना है कि बच्ची को जब अस्पताल लाया गया तो उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। इससे लगता है कि मौत 4 से 5 घंटे पहले हुई थी। बच्ची को जैसे ही बाल रोग चिकित्सालय लाया गया तुरंत हेल्थ आईसीयू भेज दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। आजाद नगर स्थित ईएसआई के टीबी हॉस्पिटल के सामने खुले बोरवेल में बच्ची गिरने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर नवनीत चौधरी और डॉक्टर नवीन सक्सेना सुबह 9:15 बजे 2 एम्बुलेंस व पैरामेडिकल स्टाफ लेकर मौके पर पहुंच गए। बच्चे में जो है 3 से 6 घंटे पहले उसकी जो है डेथ हो गई है। सुबह गिरा है अगर 7:15 बजे के करीब, तो वही है कि 12-1 के आसपास की उसकी हो चुकी है। और यहाँ पे आते आते जो है उसकी अकड़न इतनी ज्यादा है कि ये वैसे शो कर रहा है कि उसकी ऑलरेडी डेथ जो है 3 से 6 घंटे पहले हो चुकी है। ये बाकी डिक्लेयर जो पोजीशन क्या होगी, कहाँ इंजरी है, कैसे हुई है, तो वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्लियर पाएगा। ठेकेदार को मारी 2 बाइक सवारों ने गोली। यूपी के गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। ठेकेदार अमरीश सड़क का काम देखने पहुंचे थे। पुलिस ने आपसी रंजिश में वारदात का शक जताया है। ठेकेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला ने लगाया युवक पर मारपीट का आरोप। मेरठ के नौचंदी थाने के बाहर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। चाय की दुकान चलाने वाली इस महिला का आरोप है कि कुछ युवकों ने उसके साथ मारपीट की और शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हंगामे के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और जांच कर रही है। दिल्ली में अस्थायी शिक्षकों का सीएम के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में अस्थायी शिक्षकों ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नौकरी जल्द से जल्द अस्थायी करने की मांग की। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में शिक्षक शामिल थे। पोस्टर और बैनर लगाकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में गर्मी का पारा 41 डिग्री तक बढ़ा। दिल्ली समेत कई इलाके में अप्रैल महीने की शुरुआत में गर्मी का सितम शुरू हुआ है। दिल्ली में गर्मी का पारा 41 के पार पहुंच गया। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं की वजह से गर्मी ने दिल्ली में 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।